आ, लगता है कि बहुत छोटा चैप्टर होगा सर बहुत कम चीजें हैं बट इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत शानदार है और कहीं ना कहीं थोड़े से एक ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें थोड़ा नंबरों का आपको ज्ञान ज्यादा होना चाहिए जैसे टाइप ऑफ नंबर आपको पता होने चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं इविन नंबर ऑड नंबर होल नंबर परफेक्ट नंबर इसके बाद कॉम्पोजिट नंबर ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि ये पूरे नंबर्स होते क्या है एक्चुअल में ठीक है तो इन सभी चीजों की जब आपको नॉलेज होगी तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो डीप क्वेश्चन बनते हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बनते हैं जो कि प्योरली नंबरों पर बेस्ड होते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे राइट तो इसमें पहले तो क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स टाइप ऑफ नंबर्स यूनिट डिजिट पावर बेस्ड क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन ये टोटल आपका नंबर सिस्टम है जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना जिनके ऊपर मैग्जिम केसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट right? सबसे पहले तो एक छोटा सा काम करना है आपको सेशन शुरू करने से पहले जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स राइट जितने लोगों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं करा है प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स जल्दी से शेयर करके आ जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं राइट चलिए ओके okay. तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ठीक है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं राइट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर ठीक तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में होता क्या है पहले ये देखते हैं देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है फैक्टर एक होता है मल्टीपल एक होता है फैक्टर एक होता है मल्टीपल क्या डिफरेंस है फैक्टर में और मल्टीपल में बताओ फैक्टर में और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है पता है किसी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बारह और मैंने आपसे बोला इस बारह के फैक्टर बताओ मल्टीपल बताओ पहले आप फैक्टर निकालोगे फैक्टर वो नंबर है जो ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हैं जैसे वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व यही है ये वो नंबर है जो ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हैं वन से भी डिवाइड होगा टू से भी थ्री से भी फोर से भी सिक्स से भी और ट्वेल्व से भी ठीक है ये वो नंबर है जो ट्वेल्व से डिवाइड हो जाएंगे मतलब ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल की बात करें कि ट्वेल्व के मल्टीपल कितने हैं बारह चौबीस छत्तीस अड़तालीस साठ एंड सो ऑन तो याद रखेगा कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं लिमिटेड इन द सेंस कि जितने नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर पाएंगे सिर्फ वो फैक्टर है जो कि काउंटेबल हो सकते हैं बट मल्टीपल जो है वो आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं अगर मैं बोलूं कि 12 के कितने मल्टीपल होंगे तो भाई इनफाइनाइट कोई लिमिट थोड़ी है 12 के मल्टीपल्स की क्या आप बोलोगे सर 12 के मल्टीपल 12 और 24 क्यों 36 नहीं है सर 12, 24, 36 क्यों 60 नहीं है बहत्तर नहीं है एक, नहीं, एक नहीं है एक नहीं है बताओ बारह सौ नहीं है क्या चौदह हजार चार सौ नहीं है क्या एक लाख चौबालीस हजार नहीं है बिल्कुल है तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं राइट बट नंबर ऑफ मल्टीपल्स अगर हम बात करें तो वो इनफाइनाइट होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अब नंबर ऑफ फैक्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं पहले कि नंबर ऑफ फैक्टर में क्या क्या पूछा जाता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर में पूछा जाता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ठीक है सेकंड, प्राइम फैक्टर ठीक है प्राइम फैक्टर निकालना तीसरा इवन फैक्टर ऑड फैक्टर ठीक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम फैक्टर इवन फैक्टर ऑड फैक्टर इसके बाद अगर हम बात करें सम ऑफ फैक्टर यह भी पूछा जाता है ठीक है इसके बाद अगर बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ठीक है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना एंड लास्ट परफेक्ट क्यू फैक्टर मतलब इससे बाहर एग्जामिनर जा नहीं सकता नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में ठीक है जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा टोटल फैक्टर निकालना प्राइम फैक्टर निकालना इवन फैक्टर निकालना ऑड फैक्टर निकालना सम ऑफ द फैक्टर्स मतलब जितने भी फैक्टर हैं उन सभी का सम टोटल कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना मतलब कितने ऐसे फैक्टर होंगे किसी भी पर्टिकुलर नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में होंगे और लास्ट है आपका परफेक्ट क्यूब फैक्टर मतलब किसी भी नंबर के ऐसे कितने फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब का काम कर रहे होंगे ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ क्लियर है सभी को भाई जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज डू लाइक द सेशन लाइक करने में कंजूसी ना करें ठीक है स्टार्ट करें एक एक करके I hope आपने इन सभी चीजों का स्क्रीन ले लिया होगा जैसे आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझ पाएंगे ले लिया सभी लोगों ने ठीक है तो नंबर ऑफ फैक्टर में ये सारे फैक्टर हम लोग करेंगे लिटरली बता रहा हूं इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा आप चाहें तो पुराने पिछले चार साल के पेपर उठा के देखिए इससे बाहर नंबर ऑफ फैक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और सबसे बड़ी चीज एकदम आसान तरीके से इजी तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे ठीक है जिससे एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए मैंने एक एग्जाम्पल लिया वन ट्वेंटी ठीक है और इससे हम दो चीजें करना सीखेंगे इस एग्जाम्पल से सिर्फ दो चीजें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर ठीक है सिर्फ ये दो चीजें देखेंगे जिससे ये दो तरीके क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम चलेंगे इवन फैक्टर निकालना ऑड फैक्टर निकालना वो सब चीजें देखेंगे ठीक है ओके तो सबसे पहले 120, 120 के फैक्टर करते हैं 120 है नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये हो गया ये 30 ये ठीक है तो कितना हो गया टू कितने बार आ रहा है तीन बार तो टू की पावर थ्री इन थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर वन ठीक है यस बिल्कुल बैंक भी पढ़ाऊंगा भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल टू की पावर थ्री, थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा प्राइम फैक्टर अगर मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ठीक है मैंने आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे सिंपल

अब मैंने पूछा टोटल फैक्टर कितने हैं ठीक है ठीके? या मैंने पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं अब क्या करेंगे वो समझना नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे वो समझना ठीक है जो भी पावर दी हुई है उसमें एक एक बढ़ा दो जैसे थ्री है थ्री प्लस वन वन है वन प्लस वन फिर वन है वन प्लस वन तो ये हो गया फोर ये हो गया टू और ये हो गया टू फोर टू दू द 16 आपका आंसर बताओ भाई कोई दिक्कत आराम से देखते हुए चलो कोई जल्दबाजी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से समझते हुए चलो 120 लिया 120 के फैक्टर निकाले 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ठीक है प्राइम फैक्टर निकालने थे पावर को ऐड कर दिया 3 4 5 तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए भाई 5 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे एक-एक बढ़ा दो 3 में एक बढ़ाएं 4 एक में एक बढ़ाया दो फिर एक में एक बढ़ाया दो तो फोर इंटू टू इंटू टू तो फोर टूटीन आपके क्वेश्चन का आंसर है इज इट क्लियर टू अब आप ये दो क्वेश्चन के आंसर तो निकाल ही सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फैक्टर और प्राइम ये दोनों आप निकाल सकते हैं बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बताओ लिख के बताओ जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लियर है सभी को यस yes. देखें चलिए बहुत बढ़िया चलिए अब ऐसे ही मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं लेट द बोज एक नंबर ले लेते हैं पंद्रह सौ ठीक है फाइंड टोटल फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स निकालो जल्दी टोटल फैक्टर और प्राइम फैक्टर निकालो मचे okay, देखें तो सबसे पहले पंद्रह सौ के फैक्टर नॉर्मली करते हैं कितना आएगा टू से कैंसिल होगा सेवन फिफ्टी टू से कैंसिल होगा आपका टू थ्री टू सेवन दा टू से फाइव दा इसके बाद फाइव से कैंसिल दे कर देते हैं फाइव सेवन दा थर्टी फाइव 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 दा फाइव से कैंसिल करते हैं फिफ्टीन फाइव से कैंसिल करते हैं थ्री और थ्री से कैंसिल करते हैं वन ठीक है तो टू की पावर टू इंटू फाइव की पावर थ्री थ्री की पावर वन ये हो गया चलिए देखते हैं टू की पावर टू फाइव की पावर थ्री थ्री की पावर वन अगर मैंने आपसे पूछा कि प्राइम फैक्टर बताओ कितना आएगा प्राइम बताओ, आएगा बताओ कितना तो आप बोलोगे चाहिए प्राइम सिंपल ऐड कर दो टू प्लस थ्री प्लस वन ठीक है तो दो पांच और एक छे तो कितना हो गया छे ठीके? और इसके बाद बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको प्राइम फैक्टर बोला जा रहा है तभी प्राइम फैक्टर निकालने हैं अगर नहीं बोला जाएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर बोला जाएगा अगर तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं ठीक है थीके? तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे पावर में वन बढ़ा दो और मल्टीप्लाई जैसे टू की पावर टू तो टू प्लस वन ये पावर थ्री है थ्री प्लस वन फिर पावर वन है वन प्लस वन तो थ्री इंटू फोर इंटू टू फोर थ्री टू द ट्वेंटी फोर आपका आंसर है टोटल फैक्टर ट्वेंटी फोर वेरी गुड बहुत शानदार क्लियर है सभी को बहुत बढ़िया चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ट्वेंटी फोर 24. 24 के फैक्टर निकाल देते हैं टू है ट्वेल्व है सिक्स है इसके बाद थ्री है देन थ्री वन तो टू so, की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर वन तो आपको इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने प्राइम फैक्टर नहीं नंबर ऑफ फैक्टर अगर प्राइम फैक्टर बोला जाता तो बात अलग थी लेकिन उसने नंबर ऑफ फैक्टर बोला है तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करना है पावर में वन बढ़ा के मल्टीप्लाई तो थ्री प्लस वन एंड वन प्लस वन तो थ्री प्लस वन फोर और फोर टू द एट आपके क्वेश्चन का आंसर है एट यही है बहुत बढ़िया एट अगला क्वेश्चन तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का मैंने तरीका बताया था देखो ये एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है जैसे ए की पावर p तो p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएंगे ठीक है फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1250 जल्दी से इसका आंसर बताइए 1250 के नंबर ऑफ फैक्टर हम्म ठीक है चलिए आ जाइए बारह सौ पचास तो पहले तो बारह सौ पचास के फैक्टर्स निकालते हैं कितने हैं टू सिक्स द टू टू द टू फाइव दफ्टर दैट फाइव से कटेगा वन ट्वेंटी फाइव फिर फाइव से कटेगा ट्वेंटी फाइव फिर फाइव से कटेगा फाइव टाइम्स और फिर फाइव से कटेगा वन टाइम तो टू की पावर वन इंटू फाइव की पावर फोर ठीक है आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर नहीं नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर में वन बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई तो वन प्लस टू इंटू फोर प्लस वन फाइव यानी कि टेन मेरे क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है बहुत बढ़िया तो टेन बिल्कुल करेक्ट है टेन हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फाइंड आउट द ऑल फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर थ्री 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 वन क्या होता है इलेवन का क्यूब अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे पावर में वन बढ़ा के मल्टीप्लाई तो वन प्लस वन और थ्री प्लस वन है ना इसमें वन बढ़ाया वन प्लस वन इसमें वन बढ़ाया थ्री प्लस वन तो टू इंटू फोर आपका आंसर हो गया एट तो जितने लोगों का आंसर एट है बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसका आंसर निकालिए जल्दी एकदम मैं कह रहा हूं ना आज आप परफेक्ट होके जाओगे नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कोई कर पाए चाहे नहीं कर पाए आप जरूर कर पाओगे ये मेरा वादा है ठीक है क्लियर है देखें 420, 420 कितना हो जाएगा टू टू झा टू वन झा ये जीरो टू वन झा टू जीरो टू फाइव द्री थ्री थ्री फाइव दाइव सेवन दन तो ये हो गया टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर वन इंटू सेवन की पावर वन ठीक है अब सुनना बात को नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं पावर में वन इंक्रीज करके मल्टीप्लाई तो इसमें टू में वन इंक्रीज करेंगे टू प्लस वन फिर वन में वन इंक्रीज वन प्लस वन फिर वन प्लस वन फिर वन प्लस वन ठीक है तो into two into two into two. तो तीन दूनी छूनी बारह दूनी चौबीस तो आपका आंसर चौबीस आएगा जितने लोगों का आंसर चौबीस है बिल्कुल करेक्ट है बारह क्यों आएगा बच्चा बारह क्यों आएगा आपने 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो टू से कटा पहले तो टू वन जीरो फिर टू से वन जीरो सेवन टू की पावर टू थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन सेवन की पावर वन अब क्या करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर में वन इंक्रीज करके मल्टीप्लाई टू प्लस वन थ्री वन प्लस वन टू वन प्लस वन टू वन प्लस वन टू तो थ्री टू झार 6 टू झार ट्वेल्व टू ऑर ट्वेंटी फोर तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बारह क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई है क्या जल्दी बताओ हाँ बच्चा एस एस सी और बैंक दोनों बढ़ाऊंगा मैं डोंट वरी ठीक है क्लियर है करेक्ट ट्वेंटी फोर चलिए बहुत बढ़िया अब आते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर दो चीजें हमने पढ़ ली है एक हमने पढ़ लिया ऑल फैक्टर्स निकालना कैसे निकालना है ये डन फिर हमने पढ़ लिया प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है ये खत्म ठीक है अब तीसरा पार्ट इसमें है नंबर ऑफ फैक्टर में आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालना है बहुत आराम से समझना कोई जल्दबाजी नहीं है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 ऑल फैक्टर्स तो सबसे पहला काम है ऑल फैक्टर्स का निकालना 24 के फैक्टर निकालते हैं 2 से कैंसिल करा 12 आया फिर 2 से कैंसिल करा 6 आया 2 से कैंसिल करा 3 आया और 3 से कैंसिल करा 1 आया ठीक है तो मैं 24 को लिख सकता हूं 2 तीन बार आ रहा है 2 की पावर 3 3 की पावर 1 ये है ये तो आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 की पावर 3 3 की पावर 1 अब सम ऑफ ऑल फैक्टर निकलेगा कैसे वो समझना आपको पता है टू की पावर थ्री में कितने फैक्टर होंगे क्या क्या होंगे एक होगा टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू और टू की पावर यहां तक क्लियर है टू की पावर थ्री था ना तो स्टार्ट कहां से करेंगे टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री डेट्स इट ठीक है अब आगे ये हो गया वन प्लस टू प्लस फोर एट आठ और चार बारह दो चौदह और एक पंद्रह ये हो गया थ्री की पावर वन को हम लिखेंगे थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन फोर पंद्रह और चार मल्टीप्लाई करेंगे तो पंद्रह इंटू चार टोटल हो गया साठ आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक है तो सिक्सटी आ गया आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिक्सटी में आपका Of all 24, मतलब चौबीस 24 जो हैं उसके जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको टोटल कितना मिलेगा सिक्सटी मिलेगा ठीक है टू की पावर थ्री थ्री की पावर वन टू की पावर थ्री को लिखा टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन टू प्लस टू की पावर टू टू की पावर थ्री एड करा पंद्रह आया थ्री की पावर जीरो की पावर वन तो फोर आया फिफ्टीन फोर था क्लियर है तो फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी जैसे a तो की पावर p है तो कहाँ से शुरू करेंगे a की पावर जीरो a की पावर वन a की पावर टू p तक b की पावर जीरो b की पावर वन b की पावर टू b की पावर q तक c की पावर जीरो c की पावर टू c की पावर थ्री r तक इसका निकालिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ टू हंड्रेड टेन इसका आंसर बताइए जल्दी कितना आएगा देखें चलिए 210 का मतलब है इसके फैक्टर निकालते हैं पहले 210 के टू वन ज़ीरो टू फाइव दा थ्री थ्री दा थ्री फाइव दाइव सेवन दैवन वन सा टू की पावर वन थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन सेवन की पावर वन ठीक है अब देखना टू की पावर वन को आप क्या लिखोगे टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन थ्री की पावर वन को आप क्या लिखोगे थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन को आप क्या लिखोगे फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन सेवन की पावर वन को आप क्या लिखोगे सेवन की पावर जीरो प्लस सेवन की पावर वन यह हो गया थ्री ये हो गया फोर ये हो गया सिक्स ये हो गया एट ठीक है तो फोर थ्री सिक्स। क्लियर है फिर समझ लो टू हंड्रेड टेन था इसको आपने क्या लिखा टू थ्री फाइव और सेवन टू थ्री दिक्स फाइव दर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन तो टू की पावर वन को आपने क्या लिखा सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन ठीक है थ्री की पावर वन को आपने क्या लिखा थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन को आपने क्या लिखा फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन सेवन की पावर वन को आपने क्या लिखा है सेवन की पावर जीरो प्लस सेवन की पावर वन ठीक हो गया थ्री फोर सिक्स एट मल्टीप्लाई करा आती है बारह छिंग बहत्तर बहत्तर का आठ गुना पांच सौ छह आगे चलते हैं तीन सौ पैंतालीस के मैं बोल रहा आपको परफेक्ट लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा परफेक्शन के लेवल पे कि नंबर ऑफ फैक्टर से दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी गलत करेगा लेकिन ये गलत नहीं करेगा ठीक है एक एक करके सब कुछ नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे नंबर ऑफ एक्टर यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम, टाइप ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चन सारी चीजें ठीक है थ्री वन सा थ्री वन सा थ्री फाइव ठीक है चलिए थ्री की पावर निकालनी पहले थ्री वन सा थ्री वन द्री फाइव दा फाइव से करें फाइव टू दा फाइव थ्री दा फिर ट्वेंटी थ्री वन सा थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर वन इंटू ट्वेंटी थ्री की पावर वन ठीक है तो पहले थ्री की पावर वन को क्या लिखेंगे थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन फाइव की पावर वन को क्या लिखेंगे फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन ट्वेंटी थ्री की पावर वन को क्या लिखेंगे ट्वेंटी थ्री की पावर जीरो प्लस ट्वेंटी थ्री की पावर वन ठीक है तो चौबीस और छह चौका चौबीस 576 सौ छिहत्तर 576 will विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन आई होप इज क्लियर ठीक है एक क्वेश्चन और था इसमें कहा गया हम्म. ये वाला निकालो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो नीचे जो नंबर आपके बेस में है वो प्राइम नंबर होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं हो कि टेन की पावर सिक्स लिखा हुआ है नहीं आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस को पहले तो टू आपका प्राइम नंबर है थ्री है फाइव है बिल्कुल है और प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो भी पावर है प्राइम नंबर के ऊपर जो भी पावर है उन सब पावर को ऐड कर देते हैं जैसे टू की पावर ट्रिपल टू तो ट्रिपल टू एज इट इज ले लिया थ्री की पावर ट्रिपल थ्री थ्री भी प्राइम नंबर है ट्रिपल थ्री एज इट इज ले लिया फाइव की पावर ट्रिपल फाइव फाइव भी प्राइम नंबर है ट्रिपल फाइव पाँचों तीन आठ और दो दस पाँचों तीन आठ और दो दस और एक ग्यारह और ये भी ग्यारह मतलब ग्यारह सौ दस ठीक है एक हजार एक सौ दस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लियर है और बढ़िया प्राइम फैक्टर्स इसमें बताने है कितने हैं मैंने क्या बताया प्राइम फैक्टर बताने के लिए कोई भी आपको फैक्टर बताने हैं सबसे पहले तो जो बेस है उसको प्राइम में कन्वर्ट करें सिक्स है सिक्स का मतलब है यहाँ पे टू इंटू थ्री और इसकी पावर टेन यही है तो सबसे पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो टू की पावर टेन थ्री की पावर टेन फिर सेवन की पावर सेवनटीन इंटू इलेवन की पावर ट्वेंटी सेवन अब जितने भी नंबर बेस में हैं वो सब प्राइम नंबर है अब कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइम नंबर है नीचे जो बेस है वो प्राइम नंबर है तो कितने प्राइम नंबर है पावर को ऐड कर देते हैं अभी मैंने बताया था ना जब भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने पावर को डायरेक्ट ऐड कर दो टेन प्लस टेन प्लस सेवनटीन इंटू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी सेवन सात और सात चौदह एक दो तीन चार पाँच छः आपके क्वेश्चन का आंसर सिक्सटी फोर एक है, डाने बहुत बढ़िया इसमें बताइए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें बच्चा हर बार गलती करता है सिर्फ प्राइम फैक्टर बताने हैं कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसमें निकालिए देखें प्राइम फैक्टर फोर है फोर को लिख सकते हैं टू की पावर, पावर टू मतलब और पावर पे पावर मल्टीप्लाई नाइन का मतलब थ्री की पावर टू और पावर फिफ्टीन मल्टीप्लाई टेन का मतलब है टू इंटू फाइव तो टू की पावर एट इंटू फाइव की पावर एट तो फोर्टीन का मतलब है टू की पावर देखो यहाँ फोर्टीन का मतलब है टू इंटू सेवन तो टू की पावर ट्वेल्व इंटू सेवन की पावर अब यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ क्लियर है फोर का मतलब टू की पावर टू तो टू सिख नाइन का मतलब थ्री की पावर टू ठीक है थ्री की पावर टू सॉरी टू होगा ना नाइन का मतलब थ्री की पावर टू और पावर पे पावर मल्टीप्लाई तो टू इंटू फिफ्टीन ये टेन है टेन का मतलब टू इन टू फाइव तो टू की पावर एट और फाइव की पावर एट टू की पावर ट्वेल्व सेवन की पावर ट्वेल्व ठीक है तो ऐड कर देते हैं दूनी बारह पंद्रह दूनी तीस आठ और आठ सोलह नहीं आठ और बारह बीस बारह और आठ बीस और बारह और आठ यहाँ पे भी बीस ये दो दो और दो चार और तीन सात और एक आठ बयासी क्वेश्चन का आंसर है 82। नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स ऑफ़ 345, तो so, 340। इसीलिए देखो, अब आपने टोटल फैक्टर देख लिए, सम ऑफ़ ऑल फैक्टर देख लिया, प्राइम फैक्टर देख लिया, ठीक है? 3 वन दा, 3 वन दा, 3 फाइव दा, फाइव टू दा, फाइव थ्री दा, 23 वन दा। कितने फैक्टर हैं? एक अब मैं आपको थोड़ा सा ना इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ फाइंड इवन फैक्टर बहुत प्यारा मेथड बताऊंगा मतलब इजी बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे जैसे ठीक है फाइंड इवन फैक्टर्स कैसे निकालना है जैसे मैंने बोला सिक्सटी सिक्सटी के इवन फैक्टर्स निकालो आप बोलोगे ठीक है सर इवन फैक्टर्स निकाल देते हैं दो है चार है ठीक है छ है दस है बारह है ठीक है और साठ है और कोई नंबर दो चार छ दस बारह पंद्रह नहीं आएगा बीस तीस और और कोई नंबर इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो ये तो हो गया मैनुअली आपने निकाला टू आ गया फोर आ गया सिक्स आ गया टेन आ गया ट्वेल्व आ गया सिक्सटी ट्वेंटी थर्टी मैनुअली निकाला लेकिन क्या बड़ा नंबर कोई दे दिया मान लो दे दिया साढ़े बारह सौ या बारह सौ इसके इवेंट फैक्टर ऑप्शन क्या है मैं तरीका बताता हूँ सबसे पहले आप सिक्सटी को ले लो और इसको टू से डिवाइड कर दो मतलब टू कॉमन ले लो इसमें से और टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना थर्टी अब थर्टी के फैक्टर टू इसलिए बाहर लेते हैं जिससे हमारा एक श्योरिटी हो जाए कि अंदर जो भी फैक्टर अब हम लोग थर्टी को ले रहे हैं जब हम थर्टी को टू कॉमन लेने के बाद थर्टी जो बचेगा अब थर्टी के जो भी फैक्टर आए भले ही वो ऑड हो इवन हो उसमें टू बाहर ले लिया इसका मतलब ये कि उसमें टू का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो वो इवन अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो थर्टी के नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं टू से गया फिफ्टीन थ्री से गया वन टू 5, 5 की पावर वन थ्री की पावर वन फाइव की पावर यहाँ तक क्लियर है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे पावर में वन बढ़ा देते हैं वन प्लस यहां पर भी कितने आ रहे थे manually, एक दो तीन चार पांच छ सात समझ आया आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन तो जब भी आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं जब भी किसी क्वेश्चन में इवन फैक्टर बेस इवन फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपको इसी तरीके से ठीक है तो आपने देखा 1200 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने लेकिन इवन फैक्टर तो आपने 1200 को टू से डिवाइड करा 600 600 का मतलब है पहले 600 के नॉर्मल नौ फैक्टर निकाले ठीक है टू से करा 300 फिर 150 फिर 75 3 से 25 ये हो गया तो टू की पावर थ्री थ्री की पावर वन फाइव की पावर टू एक-एक बढ़ा देते हैं 3 1 1 1 टू प्लस वन फोर इंटू टू थ्री ट्वेंटी आपका आंसर है ठीक है तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है समझ में आ चुका है आपको इवन फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है एक बार जो भी नंबर आपको दिया है इसको टू से डिवाइड कर दीजिए टू को कॉमन ले लीजिए और अंदर वाले नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए ये क्वेश्चन का आंसर एज इट इज टू एवरी वन क्लियर है एम अगर मैंने आपसे बोला फाइन नंबर ऑफ ऑर्ड फैक्टर्स नंबर ऑफ ऑर्ड फैक्टर्स इन फिफ्टीन हंड्रेड पंद्रह सौ के और फैक्टर निकालने कितने होंगे ठीक है तो पहले पंद्रह सौ के जनरल फैक्टर निकालो कितना आएगा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके टू से हो गया सेवन फिफ्टी ठीक है फिर टू से हो गया थ्री सेवेंटी फाइव फाइव सेवन था फाइव फाइव था फाइव से हो गया फिफ्टीन फिर फाइव से हो गया थ्री फिर थ्री से हो गया वन ठीक है तो टू की पावर टू फाइव की पावर थ्री और थ्री की पावर वन क्लियर है ठीक है अब ऑड नंबर का मतलब क्या होता है आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं ऑड फैक्टर का मतलब है जो टू के मल्टीपल नहीं होते मतलब जहां पे भी ये टू के मल्टीपल लिखे हुए उसको कैंसिल करो और बाकी का ऑड फैक्टर निकालो थ्री प्लस वन इंटू वन प्लस इंटू टू आपका आंसर हो गया एट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके पंद्रह सो के तो पंद्रह सो के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपके हो गए आठ आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन टू की पावर टू को निग्लेक्ट कर देंगे और बचेगा कितना फाइव की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर वन फोर टू द आपका आंसर ये मैंने पूरा आपको बता दिया अब आज का होमवर्क देखना लिए पहला क्वेश्चन तो चौबीस सौ पचास दूसरा क्वेश्चन तो चौबीस सौ तीसरा क्वेश्चन अट्तालीस सौ फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ठीक है फाइंड हम ऑफ ऑल फैक्टर ठीक है एंड फाइंड ऑड एंड इवन फैक्टर तो ये मैंने छह क्वेश्चंस आपको दिए हैं पांच छह क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन के आपको ये सारे आंसर करने हैं जैसे 2450 का नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑल सम ऑफ फैक्टर 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 ऑड इवन ये बताओ ऐसे ही चौबीस का बताओ ऐसे ही अड़तालीस का कल हम आते ही सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट ठीक है कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की कैसे निकालनी है आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करेगा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यून आईट से बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो तो मच